नमस्ते, मेरा नाम है श्रवण। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप कैसे भरेंगे इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फॉर्म कहाँ से और कैसे भरना है इससे पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी बता देता हूँ। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए 75% सीट आरक्षित की गई है और 25% सीट शहरी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा लेती है, जिसमें अधिक नंबर आने पर भी आपके बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित हो सकता है। आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर डिजिटल सेवा केंद्र के पास जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2017 निर्धारित की गई है। इस वर्ष आप बेमेतरा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी अपना आवेदन कर सकते हैं। CSC में लॉगिन करने के बाद राइट साइड में नवोदय विद्यालय का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आपके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर इस फॉर्म को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हिंदी में एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सारे ऑप्शंस उस हिंदी फॉर्म के फॉर्मेट में अपडेट कर दिया है, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। ऊपर में सर्टिफिकेट वाले लिंक पर क्लिक करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करके कस्टमर्स को दे सकते हैं। जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भराने आए उसे आप ये फॉर्म दे सकते हैं, जिसमें कुछ नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी जैसे कुछ ऑप्शंस होंगे, जिसमें क्लास 3, 4 और 5 के कुछ डिटेल्स भी आपको भरने होंगे, जिसमें सिग्नेचर उसके पेरेंट्स का लगेगा और स्कूल के जो भी अथॉरिटी होंगे उसके भी सील सिग्नेचर लगेगा। आपका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और उसको फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है उसे भी आपको सेलेक्ट करना होगा और एक सिक्योरिटी कोड को डालना है। उसके बाद सबमिट करेंगे, जिसके बाद एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा, उसे कंफर्म करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड के लिए आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उस मोबाइल नंबर को आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर पे एक SMS आएगा, उस SMS को आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको जो है फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।